राजस्थान के उदयपुर में टेलर की हत्या के मामले में भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के बंद के आह्वान पर आज प्रदेश के तमाम शहरी इलाकों में सुबह से गतिविधियां थमी रही। राजधानी रायपुर से लेकर बिलासपुर, कवर्धा, महासमुंद, कोरिया, कांकेर, राजनांदगांव सहित प्रदेश के अन्य शहरों में दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलावा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान किया है। बंद को सफल बनाने के लिए इन संगठनों के कार्यकर्ता सुबह से ही शहरों में घूम घूम कर बाजार, स्कूल और अन्य संस्थानों में जाकर समर्थन देने की अपील करते नजर आए। हालांकि इस दौरान यात्री वाहन चल रहे हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। देखिए, विश्व हिंदू परिषद का आह्वान था, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग था और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पूरा छत्तीसगढ़ बंद रहा है। चाय ठेले, पान ठेले, खोमचे वाले, यहाँ तक कि पेट्रोल पंप और शैक्षणिक संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज स्वयं स्फूर्त बंद रहे, सारे होटल बंद रहे, छोटे प्रतिष्ठान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान सारे स्वयं स्फूर्त बंद रहे, टोटल बंद है। रायपुर राजधानी पूरी तरह से 100% बंद सफल हुआ है, वहीं प्रदेश भी पूरी तरह से सफल हुआ है। मैं सभी व्यापारिक संघों को और शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुख को, पेट्रोल पंप मालिकों को बहुत धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि उन्होंने इस बंद का समर्थन किया। बिल्कुल नहीं खुलेगा, कौन कह रहा है 2 बजे के बाद खुलेगा? अगर वो तो जो 2 बजे वाले बोले थे पेट्रोल पंप खुलेगा, स्कूल कॉलेज खुलेंगे, उन्होंने कहा था कि होटलें सब खुली होगी, खुली क्या? जिन्होंने ये कहा था वो हमारे बंद को विफल करना चाहते थे, फेल हो गए वो। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कहना कि 2 बजे तक समर्थन दिया गया, अगर उन्होंने तो ये भी कहा था ना कि पेट्रोल पंप खुला रहेगा, स्कूल कॉलेज खुला रहेगा, खुला रहा क्या? पेट्रोल पंप खुले रहे क्या? सब्जी बाजार बंद है कि नहीं है? तो होलसेल सब्जी बाजार बंद है कि नहीं है? फ्रूट मार्केट बंद है कि नहीं है? भैया, रिटेल फ्रूट मार्केट, होलसेल फ्रूट मार्केट बंद है। उन्होंने तो बहुत कुछ कहा था लेकिन सफल हुआ क्या? फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। क्लिपर 28।